Thank you.
आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद्भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 15वें पंचम दशम अध्याय के श्लोक संख्या चतुर्थ चार संख्या जो श्लोक है। और इस श्लोक में बताया गया भगवान के जन्म और कर्म के बारे में। तो भगवान के जन्म और कर्म के बारे में जानने से पहले हम बस थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि भक्त का क्या कर्म होना चाहिए, क्योंकि भगवान अपना आज के श्लोक में हम चर्चा करेंगे कैसे जो भी अपने कर्म है बिल्कुल परफेक्शन के साथ करते हैं, विदाउट त्रुटि के साथ करते हैं, भगवान को अच्युत बोला जाता है कि अपने कमिटमेंट से नीचे नहीं हटते, जो भी अपना वादा करते हैं उससे अच्युत च्युत नहीं होते हैं, पतन नहीं होता भगवान का। तो क्या भक्त का कर्तव्य होना चाहिए, क्या भक्त का कर्म होना चाहिए, तो बहुत अच्छे तरीके से शरणागति करके एक पुस्तक है श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का, तो शरणागति में बताए हैं कि क्या अनुकूल होना चाहिए, मतलब भक्ति के जो अनुकूल है उनको कैसे स्वीकार करना चाहिए, क्या क्या कर्म है, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उनको कैसे वर्जयति वर्जन करना चाहिए, उनको प्रतिकार करना चाहिए, स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो बस 2 मिनट हम इस श्लोक उस पर वैष्णव भजन पर चर्चा करेंगे, फिर आज के इस प्रसंग पे इस भागवतम के श्लोक की व्याख्या करने का प्रयास किया जाएगा। तो इससे शुरू करने से पहले मैं सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा आज के भागवतम प्रवचन में, और विशेष रूप से मैं आशीर्वाद की भी याचना करूँगा जो भी वरिष्ठ वैष्णव भी यहाँ पर मौजूद हैं, ज़्यादातर वरिष्ठ ही हैं, विशेष रूप से प्रभु जी हैं, आई वुड लाइक टू प्लीज आप लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि दिव्य प्रसंगों पर हम कुछ भी व्याख्या करने का प्रयास कर सकें। माता जी हैं, रेगुलर भागवतम में आती हैं, मैं आपसे भी आशीर्वाद की कामना करूँगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं यहाँ पर तुआ भक्ति अनुकूल ये कार्य है कि जो भी हे भगवान आपके भक्ति के अनुकूल जो भी कार्य हैं परम यतन त्याता हाँ करीब निश्चय, उसको बिल्कुल निश्चय पूर्वक यतन पूर्वक पालन करने का मैं निश्चय लेता हूँ। और भक्ति अनुकूल यत विषय संसारे, जो भी भक्ति के अनुकूल विषय है इस पूरे संसार में करीब तहाते रति इंद्रिय द्वारे, कि अपने इंद्रियों के सारे जैसे आँख का है अच्छा फॉर्म देखना, हाथ का है अच्छा स्पर्श करना, नाक का है कि अच्छा घ्राण करना मतलब सूंघना, या जीवा का है कि अच्छी चीज़ों को टेस्ट करना, तो जो भी ये इंद्रियाँ हैं इंद्रियों को जो इनके इंद्रिय विषय की तरफ आकर्षित न करके जो भी आपके भक्ति के अनुकूल हैं उन विषयों को तरफ मैं आकर्षित हो पाऊँ, अर्थात मेरी इंद्रियाँ आकर्षित हो पाए। और सुनिब तुम्हार कथा यतना करिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है एक्चुअली, ये सब कैसे हो पाएगा जब भगवान का की कथा को यतन पूर्वक सुन पाएंगे। जैसे कि हम जाते हैं मायापुर परिक्रमा में, नवद्वीप धाम परिक्रमा में, तो वहाँ पर देखते हैं एक शिव जी का मंदिर होता है हंस वाहन महादेव। तो शिव जी का वो क्या स्टोरी है कि जब शिव जी को पता चला कि कथा होने वाला है, नैमी सारण करके स्थान है नवद्वीप धाम में आता है, ये लखनऊ के पास सीतापुर वाला नैमी सारण अलग है, वो नैमी सारण अलग है। तो शिव जी को जब पता चलता है कि भागवत कथा होने वाला, वो भी चतुष्कुमार करने वाले हैं, तो बिल्कुल उनको लगता है कि कैसे मैं तेज से भाग करके चला जाऊं, फिर लगता है उतना तेज नहीं भाग पाऊंगा लगता है मैं, तो क्या करते हैं अपने नंदी बैल पर चढ़ जाते हैं, बिल्कुल बैल को खेलते हैं जोर से भगाते हैं बिल्कुल भागो तेजी से, फिर कुछ देर बाद लगता है कि नहीं नहीं ये नंदी बैल भी इतना तेज नहीं भाग रहा है, फिर जाते हैं ब्रह्मा जी का आह्वान करके उनसे उनका हंस उधार लेते हैं कि ठीक है जो आपका हंस है ये बिल्कुल मर्सिडीज के जैसे चलेगा, फ्लाइट के जैसे चलेगा, बिल्कुल तेज़ी से उड़ा करके जाऊंगा, तो उनके हंस पर वाहन करके सवारी करके तेज़ी से उड़ करके जाते हैं। और उड़ करके जाते भी शिव जी को लगता है कि ओह अभी और कथा में लगता है कि मैं लेट पहुंच रहा हूं, तो अभी लैंड करने वाला होता है ऊपर से कूद जाते हैं शिव जी और भाग करके जाके कथा में बैठ जाते हैं। तो वैसे आकृति होनी चाहिए, वैसे हमारे अंदर में लौलता होना चाहिए कथा के प्रति, और कथा के प्रति जब लौलता होती है तो ही हृदय में भगवान का नाम रूप गुण लीला के प्रति आकर्षण होता है, और ये जो भक्ति के अनुकूल कार्य हैं इसे करने में और हम ज़्यादा प्रतियता हमारी हो पाएगी। तो कह रहे हैं कि देखी वह तुम्हारा धाम नयन भरिया, कि भगवान के धाम में जब भी जाते हैं तो धामों को बिल्कुल नयन भर भर के देखना चाहिए। नयन भरने का तात्पर्य है कि जो भी चीज़ हमें बहुत खूबसूरत लगती है अच्छी सुंदर दिखती है तो आंखें जो स्वतः उधर तरफ हमारी आकर्षित होती हैं कि नहीं, तो वैसे कह रहे हैं कि जो भी आपके विग्रहों का दर्शन करने में या आपके धाम का दर्शन में नयन भर भर के करूँगा। आगे कह रहे हैं
कि तुम्हारा प्रसादी देह करीबो पालन, इस देह का एकमात्र पालन होना चाहिए आपके प्रसाद का भक्षण करके, प्रसाद पा करके, प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं पा करके इस देह का पालन होना चाहिए। नैवेद्य तुलसी घ्राण करीबो ग्रहण, और जो आपके नैवेद्य जो आपको भोग लगा रहता है ये तुलसी का घ्राण करके अपने नाकों से उसको सूंघूंगा और प्रसाद को ग्रहण करूंगा। श्रीमद तुलस्याम रस नाम तदर्पितम, जैसे कि हम अमृत महाराज के प्रसंग में देखते हैं या चतुष कुमार को भी भगवान के चरण हम लोग तुलसी को सूंघ करके ही जो ब्रह्मवादी से फिर भगवत भक्त कहते हैं। और आगे कह रहे हैं कर द्वारा करीब तुम्हारा सेवाए सदा, जैसे हम लोग श्री भागवतम के नौम स्कंद में अमरीश महाराज का प्रसंग पढ़ते हैं ना, तो नौधा भक्ति के पूरे नौ प्रसंग को का उपारंभ करते थे, करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, तो वैसे ही वो सारे नौ भक्ति के जो प्रोसेस अनुकूल हैं और उसी का एक तरीके से व्याख्या यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया। ये भक्त का कर्तव्य होना चाहिए, तुम्हारा क्या है कर द्वारा करीब तुम्हारा सेवाए सदा, हाथों से क्या करूँगा सिर्फ एकमात्र आपका सेवा करूँगा। तुम्हारा वसति स्थल एक वसीब सर्वदा, और कहाँ रहूँगा जहाँ पर हे भगवान आपका वसन स्थल है जहाँ पर आप रहते हैं। तुम्हारा सेवाए काम योग करीब, और बिल्कुल नियोग रूप से आपकी सेवा में अपने कार्यों को लगाऊंगा। तुम्हारा विद्वेषी जन है क्रोध दिखाई हुआ, और जो भी आपके विद्वेषी जन है उनपे मैं क्रोध करूंगा। जैसे कि प्रभुपाद जी एक बार यहाँ पर सीपी के मैदान में वो कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, और 30-40 हज़ार की संख्या में लोग आए हुए थे, और एक व्यक्ति भगवान पर लांछन लगाने लगा, कुछ बोलने लगा कि कैसे ये भी इतने रानियों को लेकर घूमते हैं, ऐसे कृष्ण वैसे कृष्ण। प्रभुपाद बिल्कुल गरजने लगे बिल्कुल, और खूब हड़काया प्रभुपाद जी ने, इतना हड़काया प्रभुपाद जी ने कि जो ऑर्गेनाइजेटर थे वो लगने लगे कि कैसे स्वामी है, स्वामी को मतलब इतने सन्यासी को गुस्सा करना चाहिए, वो तक नाराज हो गए। भक्तों के मन में आने लगे कैसे हमारे गुरुदेव ऐसे कैसे गुस्सा कर सकते हैं, सारी पब्लिक प्रभुपाद के अगेंस्ट हो गई, आधे लोग चले गए, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने उसको छोड़ा नहीं कि तुमने भगवान के विरोध में कैसे बोल दिया। भगवान प्रभुपाद सहन नहीं कर पाए कि क्यों भगवान को इसने मतलब उल्टा सीधा बोल दिया, भगवान का लांछन लगा रहा है। तो वैसे प्रभु ये कह रहे हैं एक शुद्ध भक्त का वो होता है कि जिससे भी हम प्रेम करते हैं अगर हमारे प्रेमी को कोई भी गाली दे उल्टा सह दसा है तो हमसे सहन नहीं होगा, और एक शुद्ध भक्त के हृदय में ये भगवान के प्रति प्रेम होता है। तुम्हारा हृदय सदा भगवान का विश्राम होता है, और तुम्हारा विद्वेषी जने क्रोधा दिखाई हो, यही रूपे सर्ववृत्ति आर सर्वभाव, इस रूप में अपनी सारी कामनाएं वृत्तियां और सारे मनोभाव तुआ अनुकूल है लघु का प्रभाव, जो भी आपके अनुकूल प्रभाव देता है उसको मैं संपादन करूंगा, उसको मैं आदर करूंगा। तुआ भक्ति अनुकूल यहाँ यहाँ करी, जो भी आपके भक्ति के अनुकूल है वो कार्य करूंगा। तुआ भक्ति अनुकूल बलि तहाँ धरी, वही चीज़ों को धारण करूंगा जो कि आपके भक्ति के अनुकूल होंगे या अनुकूल बोली जाती हैं। भक्ति विनोद नहीं जाने धर्म अधर्म, यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी हमारे बारे में बोल रहे हैं कि हे भगवान हमें एक्चुअली धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि एक्चुअली क्या धर्म अधर्म भी धर्म है हम नहीं जान पाते। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि भक्ति विनोद नहीं जाने धर्म अधर्म, क्या हमारा धर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है एक्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है, लेकिन भक्ति अनुकूल तार हव सब कर्म, हे भगवान मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो भी मेरी वांछाएँ हैं, जो भी मेरी क्रियाएं हैं, जो भी मेरी निष्ठा है अपने भक्ति के अनुकूल कर दीजिए, ये जानते हुए कि आपके दास को आपके भक्त को ये मालूम नहीं है क्या धर्म और अधर्म है। ये शरणागति का बहुत ही अच्छा वो है, भक्त का ये कर्तव्य होना चाहिए। तुआ भक्ति अनुकूल अनुकूल है, एक प्रतिकूल का भी आप पढ़ सकते हैं, तो ये भक्त का भाव होना चाहिए। और भगवान का क्या भाव होता है आज के श्लोक में हम चर्चा करेंगे। तो भागवतम का चतुर्थ स्कंद चौथा अध्याय का 15वां अध्याय, चौथा स्कंद का 15वां अध्याय का चतुर्थ नंबर श्लोक है, और बोर्ड पर लिखा आप फिर पीछे पीछे इसको दोहरा सकते हैं। अयम तु प्रथमो राज्ञाम् पुमान प्रथयिता यस ऋतु नाम महाराज भविष्यते पृथुश्रवा, अयम तो प्रथमो राज्ञाम् पुमान प्रथयिता यस ऋतु नाम महाराज।
पश्यति पृथु भ्रूस्रवाः अयं तु प्रथमो राज्ञा कुमार प्रथयिताय सः पृथु नाम महाराज भविष्यते पृथुस्रवाः अयं तु प्रथमो राज्ञा पवित्र हो जाता है, हमारे मानसिक मन की जीवित अंग है वो पवित्र हो जाते हैं, हृदय पवित्र होता है। तो उत्साह से उच्चारण करना चाहिए इसका। तो इसका तात्पर्य अर्थ और अनुवाद इसी भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। अयम यह तू तव प्रथम प्रथम राज्ञा राजाओं का कुमार नर प्रथयिता विस्तार करेगा यशः ख्याति पृथु महाराज पृथु नाम नामक महाराज महान राजा भविष्यति भोगा पृथु पृथु प्रवाह व्यापक ख्याति का अर्थ भावार्थ। इन दोनों में से जो नर है वो अपने यश को विश्व भर में फैला सकेगा, उसका नाम पृथु होगा। निःसंदेह यह राजाओं में सबसे पहला राजा होगा। तात्पर्य भगवान के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गरुड़ विष्णुवाहन शिव तथा अनंत ये सभी भगवान के ब्रह्म रूप के सतीमान अवतार हैं। इसी प्रकार स्वर्ग के राजा सचिपति अर्थात इंद्र भगवान के काम रूप के अवतार हैं, अनिरुद्ध भगवान के मन के अवतार हैं, इसी प्रकार राजा पृथु भगवान के शासन शक्ति के अवतार हैं। इस प्रकार साधु पुरुषों तथा ऋषियों ने राजा पृथु की भावी कार्यों की भविष्यवाणी कर दी, जो भगवान के अंशावतार स्वरूप थे। तो बहुत सुंदर प्रभुपाद ने पढ़ दिया है। बहुत अच्छा ये प्रसंग भी चल रहा है और भगवान का अवतार होने वाला है, और मेरा परम सौभाग्य है कि भगवान के अवतार का वर्णन करने का मौका मिल रहा है। इसको करने से पहले मैं गुरु परंपरा का और भगवान से सभी वैष्णवों से आशीर्वाद की कामना करूंगा, आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाते स्वपदान्तिकं।
वंदेहं श्री गुरास्त्रियुता पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवाश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावकुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखामिताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांतं नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवारी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे कम करो दिवाचल पंगु लगाइए दिव्यत कृपा तमहं बंदे श्री गुरु निर्गाय परमानंद माधव श्री चैतन्य हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का पूरा स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में। और जैसा कि हम प्रार्थना करते हैं मुकम करो दिवाचल पंगु लगाइए गिरी यत कृपा तमहं बंदे श्री गुरु निर्गाय कि भगवान के जो गुरु हैं वो भगवान के कृपा के स्रोत हैं और जब गुरु के आशीर्वाद से जो भगवान से आशीर्वाद लेकर के क्या करते हैं मुकम करोति वाचालम मुकम मतलब होता है मुख मतलब होता है गूंगा करोति हो जाता हो सकता है वाचालम वाचाल बोलते हैं जो ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति को वाचाल बोलते हैं फिर गूंगा व्यक्ति भी ज़्यादा बोलने वाला हो सकता है या पंगु लग गए गिरी ये जो पंगु होता है जो लगड़ा होता है गिरी को भी मान सकता है लग सकता है तो वैसे ही ये गुरु की कृपा जब हो तो कोई गुरु कृपा करके भगवान कृपा करके किसी से कुछ भी करा सकते हैं। जैसे आज के प्रसंग में है पृथु महाराज नॉर्मली एक जीव तत्व है लेकिन भगवान कृपा करके किसी भी जीव से कुछ भी करा देते तो उनको बोलते हैं सत्तावेश अवतार शक्ति से आवेशित कर देते हैं भगवान। जैसे कि ये लाइट है इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाता है तो लाइट जलने लगता है जो भी LED है डायोड है लाइट बड़ी डायोड है डायोड ट्रांजिस्टर से अगर होते हैं फिर सेमी कंडक्टर में जाता है फिर लाइट होने लगता है। वैसे ही कि कोई भी चीज़ में जब शक्ति प्रवाहित होती है तो अद्भुत कार्य कर सकता है तो इसी का वर्णन हो रहा है। तो बेसिकली आज के प्रवचन में मैं चार चीज़ों का पर बातचीत करूँगा या इस पर बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा वो है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। अभी भगवान का नॉर्मली अवतार ले रहे हैं पृथु महाराज के रूप में है तो प्रश्न आता है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। दूसरा प्रश्न पर बातचीत किया जाएगा कि भगवान कितने तरह के अवतार लेते हैं और तीसरा प्रश्न होगा कि कौन कौन से भगवान के अवतार क्या क्या कार्य करते हैं उनका क्यों वो अवतार ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। और जो चौथा प्रश्न होगा कि कौन भगवान का अवतार हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। तो बेसिकली इन्हीं बातों के इर्द गिर्द आज का ये मेरा बात रहेगा। तो पहला जो प्रश्न था हमारा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं तो इसका भगवद गीता के आप लोग बहुत अच्छा श्लोक सुने होंगे चतुर्थ अध्याय के 8वें श्लोक में बताए गए हैं ना। क्या बता रहे हैं कि परित्रणाय साधूनाम बिना साय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम रूपा दी है हर युग में मृडयंती युगे युगे अवतार लेते हैं। तो बेसिकली तीन कार्य बताए गए हैं परित्रणाय साधूनाम एक्चुअली और इन तीनों को अगर सूक्ष्मता से देखें ना तो कृष्ण क्यों अवतार लेते हैं भगवान क्यों अवतार लेते हैं बिकॉज ऑफ लव ओनली प्रेम के कारण।
जीवात्माओं के प्रेम के कारण, और दूसरा कोई वो नहीं होता है। तीनों में अगर हम देखें तो भगवान जीवात्माओं से इतना प्रेम करते हैं, उस प्रेम के रेसिप्रोकेशन के तहत अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधुना, जो साधु लोग हैं या जो भक्त होंगे, परित्राण करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनको बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम करते हैं उनसे, प्रेम करते हैं और अद्भुत प्रेम करते हैं भगवान से। इतना अगर हम सोच करके देखें, अगर हम, तो हम कौन है नॉर्मली, क्या हमारा विषाद है? हम भगवान के धाम में रहते थे और भगवान से लड़ झगड़ करके, भगवान से द्वेष करके आए हुए हैं कि हे कृष्ण आप क्यों अकेले इंजॉयर हो, मैं भी इंजॉयर करना चाहता हूँ, मैं भी भोगता हूँ। तो भगवान से द्वेष करके, लड़ करके उनसे आए हुए हैं, उनसे अलग होकर के आए हैं कि जाओ आज से हमारी तुम्हारी कट्टी हो गई और हम तुम्हारे अलग रहेंगे, अलग मैं अलग अपना घर बसाऊंगा, अलग रहूंगा। आज के हम देखते हैं कि कोई पति पत्नी होते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं अगर, तो क्या पति उस पत्नी का मेंटेनेंस करता है? नहीं करता है। ये पता चले कि मेरा दुश्मन आदमी है, क्योंकि दुश्मन को मतलब सब किस निगाह से देखते हैं, द्वेष की निगाह से देखते हैं। लेकिन भगवान का प्रेम देखिए, अहेतुकी अप्रतिहता प्रेम भगवान का, कि उनसे अलग होकर नीचे आए हुए होते हैं। अरे अलग को छोड़िए, किसी भी योनि में चले जाते हैं, सुअर की भी योनि में चले जाते हैं, कुत्ता की भी योनि में चले जाते हैं, मल खा रहे होते हैं रोड पर, बिल्कुल नाली में सो रहे होते हैं, फिर भी भगवान परमात्मा के रूप में हमारे साथ होते हैं, है कि नहीं? ये अद्भुत प्रेम है भगवान का। कोई भी कितना भी तथाकथित कहा जाता है कि जैसे कि माता बहुत प्रेम करती है बच्चे से, करती है ना, लेकिन तू भी उतना प्रेम नहीं होगा जितना कृष्ण प्रेम करते हैं किसी भी जीवात्मा से। माता जो ध्रुव महाराज के मदर बता रही होंगी बेटे से, देखो बेटा भगवान, मैं तुमसे क्या प्रेम कर सकती हूँ, भगवान इतना प्रेम करते हैं कि लाखों माताएं भी मिल करके उतना प्रेम नहीं कर सकती, भगवान इतना प्रेम करते हैं। आज मान लीजिए कोई मर्डर करके आए, बोले कि मान लीजिए कि बेटे को ये हो गया कि फांसी पे चढ़ना है, तो बाप मतलब पिताजी बोले कि बेटा तेरे बदले मैं फांसी पे चढ़ जाता हूँ, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, तुम्हारे बदले मैं जेल चला जाता हूँ, नहीं बोलेंगे। लेकिन देखिए भगवान का प्रेम कि हर योनि में, चाहे किसी भी योनि में जीवात्मा, और कौन जीवात्मा, कोई हम ऐसे नहीं कि बहुत भक्त जीवात्मा, द्वेष किए हुए जीवात्मा है कि नहीं, लड़ करके आए हुए कि आपसे हटाओ, मैं तुमसे अलग होकर के रहूंगा। कई लोग हैं जो कि भगवान के अस्तित्व को ही नकारते हैं और प्रीचिंग करते हैं कि भगवान नाम कोई जीव नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, और भगवान उनका भी मेंटेन कर रहे हैं। ये है प्रेम, हर परिस्थिति में जो प्रेम प्रेम ही रहे और उतना ही मतलब उसको बचाने की, जैसे कोई इसको एक्चुअली में असली प्रेम करते हैं, और इस प्रेम के वशीभूत होकर के, इस प्रेम के कारण खींचे हुए होकर के भगवान चले आते हैं, अवतार लेते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधुना, साधुओं को परित्राण करने के लिए, विनाशाय चतुष्कृता, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और दुष्टों का विनाश भी भगवान का एकमात्र एक तरह का उनका प्रेम है। कैसे? जो विदुर जी को बता रहे हैं ना उद्धव जी श्री भागवत में तृतीय स्कंद में है कि तथैव चान्यम नरलोक वीरा यह आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रै पिबन्त नयनाभिरामं पार्थास्त्र पूता पद्मपुरस्य। ये भगवान का प्रेम हुआ, मारो वीरा को भी जो इच्छा तुम्हारा। जैसे कैसे कि जब आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ के मैदान में जब युद्ध चल रहा था महाभारत में, और भगवान पार्थास्त्र, पार्थ के जो पार्थ मतलब पृथा के पुत्र, पृथा कुंती महारानी का नाम है, तो पार्थ के क्या सारथी के रूप में भगवान बैठे हुए थे। युद्ध चल रहा था, युद्ध के मैदान में बिल्कुल अस्त्र शस्त्र से सुशोभित पूरा लड़ रहा है, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं लोग सामने, और भगवान आ जाते थे। कोई भी अर्जुन जब चलते थे तो सामने भगवान बैठे रहते थे, और भगवान बैठे रहते थे, भगवान श्यामलाम मतलब श्यामल श्याम रंग के हैं, वर्ण के हैं, और ऊपर से पीत वर्ण के वस्त्र पहनते हैं, और उस पर कुछ कुछ पसीने की बूंदें लगी हुई थी उनके मुख पे, और ऊपर से धूल पड़े हुए थे, ऊपर से कर्ली हेयर, घुंघराले बाल, और इतना सुंदर लग रहे थे कृष्ण, जानबूझ के। एक्चुअली कृष्ण का ये पहले से प्लानिंग था कि इस तरीके से मैं उद्धार करूँगा, भगवान का मारना भी एक तरह से भगवान को उद्धार करना हुआ, वो भी भगवान का प्रेम का ही इसी प्रोग्रेशन है। जैसे भगवान बोल रहे हैं साहम हम अनुग्रामी हरिष्य त धनम शनय ततो अधनम तेजती स्वजना दुख दुखित है, कि जिसमें मैं कृपा करता हूँ उसके सारा संपत्ति छीन लेता हूँ, और स्वजना दुख दुखित है छीन लेता हूँ, उसके परिजन उसको रिजेक्ट कर देते हैं,
और दुखित है, दर दर की ठोकरें खाता है वो। लेकिन आदमी कह सकता है कि ये कैसे भगवान का प्रेम है भाई। लेकिन भगवान कह रहे यस्सा अहम अनुग्रहामि, जिसमें मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ तो ऐसे करता हूँ। क्यों? जब वो दर दर की ठोकरें खाता है तो वो निश्चयपूर्वक भगवान के शरण में जाता है, भगवान उनका सब कुछ छीन के खुद को दे देते हैं। वही वहाँ महाभारत के युद्ध में भी भगवान ने किया है कि जो भी सामने आता था नेत्रई पिबंत तो नैना भी राम हो, कि भगवान इतने सुंदर दिख रहे थे और ऊपर से भगवान देख करके मुस्कुरा दे रहे थे, जान बुझ के भगवान मुस्कुरा देते थे। और उतनी सुंदर मतलब मोहनी मूर्ति सावन सुरति नैना बने विशाल, सुने ना धर सुधार सुमुरली राज पूर्व जगती बात। तो भगवान का एक वो है सूर्यदास का पद है कि भगवान की गुणगान कर रहे हैं कि कितने सुंदर मुख है भगवान का। तो जो भी देखता था मानो नेत्रई पिबंती नैना भी राम, नेत्र से देख करके कोई सुंदर चीज़ दिखता है ना तो एकदम एकटक आदमी देखने लगता है, वैसे ही एकटक देखने लगते थे भगवान को। और तभी पार्थास्त्र पूता अर्जुन का बाण आता था और छाती छेद करने जाता है और पद्मा पुरस से देखते देखते भगवान को सभी छोड़ते थे, पद्मा पुरस से भगवत धाम चले जाते। ये भगवान परित्राय साधु नाम और बिना साय विनाश करके जो भगवान का एक तरह से प्रेम है भगवत धाम भेज देते थे। ये हम देखते थे अहो वकीय स्तनकाल कूटम, क्यों मारने के लिए कूदना आई थी और फिर भी उसको क्या किए, एक तरह से कोई कह सकता है उसको मार दी, नहीं मार नहीं दिए, माता का पद दे दिए। मरना तो सबको एक दिन है, सबको एक दिन मरना है कि नहीं। लेकिन ये भगवान का प्रेम कि हर परिस्थिति में चाहे उनसे प्रेम करे चाहे उनसे द्वेष करे, हर परिस्थिति में कृष्ण क्या करते हैं, प्रेम ही करते हैं भगवान अदूषदर्शी। और उसी प्रेम के मारे खींचे चले जाते हैं भगवान, खींचे चले जाते हैं जैसे आज के प्रसंग में वर्णन हो रहा है। और तीसरा जो है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का पुनर्स्थापना क्यों करते हैं, क्यों कि धर्म का पालन करके हम दोबारा उनके पास लौट जाए। तो तीनों काम क्यों करते हैं, प्रेम वश करते हैं हमसे इतना। और अहेतु की हर प्रति में मतलब कि बिना हेतु के प्रेम, चाहे हम उनसे प्रेम करें चाहे उनसे द्वेष करें चाहे उनको खंडित करते, चाहे जी मैं मूर्ति नहीं मानता ये मैं नास्तिक हूँ, नास्तिकों को भी हवा पानी वगैरह सब कुछ दे रहे हैं भगवान, है कि नहीं, भोजन दे रहे हैं सबको दे रहे हैं, किसी भी योनि में चला जाओ भोजन दे रहे हैं भगवान, प्रेम वश। और प्रेम वश आ करके लीला करते हैं, नाटक कर करके दिखाते हैं कि किसी तरह से ये के प्रकरण मेरे से आकर्षित हो जाए। देखिए भगवान को क्या बोलते हैं, माखन चोर बोलते हैं, बोलते हैं ना माखन चुराए, क्यों चुराए, अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए। भगवान को पता था कि मतलब अनादि काल तक मुझे चोर बोला जाएगा, फिर भी भक्तों की प्रसन्नता के लिए चलो ठीक है चोर सब स्वीकार कर लिए। अगर मान लीजिए मेरे को कोई कहे कि और अमरिंदर चोर कैसा रहेगा, बिल्कुल खून खोल जाएगा, चोर कैसे बोल रहा है। पर भगवान को बोलते हैं माखन चोर, है कि नहीं। ये प्रेम बस इतना ज्यादा भक्तों से प्रेम है भगवान का कि मतलब खुद पे लांछन लेने को भी तैयार हो जाते हैं। श्री गोपी जी के क्या किए, वस्त्रों को चुराए, क्यों कात्यायनी से व्रत की थी उनको पति को स्वीकार करने के लिए। भगवान को क्या नहीं पता था कि अगर मैं इनके वस्त्र चुराऊंगा तो अनादि काल तक लोग क्या बोलेंगे कि कैसे तुम्हारा भगवान लंपट है, बोलते हैं कई लोग, है कि नहीं। ये भगवान अपने पे लांछन लेने के लिए तैयार है भक्तों की प्रसन्नता के लिए। रणछोर कहा जाता है भगवान को, रण छोड़ दिए, ये तो कृष्णी बड़ा है अवतार में भगवान, मतलब आदमी तो छोड़िए सुअर बनने को तैयार हो जाते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। क्यों, भगवान को पता था भाई यही पृथ्वी रहेगी तो इसमें हमारे भक्त लोग जन्म लेंगे और उनको दोबारा से मौका मिलेगा, मेरे से विद्वेषी जन जो द्वेष करके आए हैं उनके रक्षा के लिए भगवान सुअर तक की योनि स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं। ये है, ये अहेतु की अप्रतिहता प्रेम है, है कि नहीं। हम बना स्वीकार करेंगे किसी, अरे किसी के लिए कितना भी हम अगर प्रेम करें, कोई बोले कि तुम सुअर बन जाओ, कोई बोल दे बस सुअर तो भी सुन करके कितना गुस्सा आ जाएगा, वो साक्षात बनने के लिए तैयार हो गए हैं। ये प्रेम है भगवान का। इसीलिए मैं ये प्रसंग लिया था अनुकूल परिस्थिति में क्यों स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण हमसे उतना ज्यादा प्रेम करते हैं जितना हम कर भी नहीं सकते उससे। सब कुछ देखे सुअर बनने के लिए और अलग अलग घोड़ा बनने के लिए भाई अवतार में आए, मत्स्य अवतार मछली बन के, मछली मतलब जो 84 लाख योनियाँ होती हैं, जलजा 9 लक्षाणी 9 लाख जो जल में योनियाँ सबसे निकृष्ट योनि माने जाते हैं कि नहीं, जो जल में रहने वाले हैं उसकी विचेतना सबसे डल होती है। और मछली की योनि में भगवान आ रहे हैं, कच्छप की योनि में आ रहे हैं, बामन रूप में भीख मांगने को तैयार हो गए भगवान अपने भक्तों के लिए। ये भगवत प्रेम है, हर कंडीशन में भगवान प्रेम ही प्रेम करते हैं।
और कुछ नहीं कर रहे, और उसी प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान अवतार लेते हैं। तो ये भगवान के आने का कारण होता है, प्रेम प्रेम कर इसी को प्रेम करना, अलग अलग लीलाएं करते हैं कि उन लीलाओं को सुन करके हम उनसे आकर्षित होकर के और आकर्षित होकर के उनकी तरफ और आकर्षित होकर के हम भगवत धाम वापस आ सके, उनके राम नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति आकर्षित कर सकें। अतः वो ये सारे लीला करते हैं भगवान हमें आकर्षित करने के लिए। तो भगवान आत्मानंद पूर्ण काम है, भगवान को क्या लेना देना है कि नहीं, जो अपने आप में ही रमण कर रहा है, अपने आप में ही पूर्ण है, अपने आप में ही संतुष्ट है, उसको मतलब क्या लेना देना। कोई मान लीजिए कोई अमीर आदमी है जिसके पास कोई पैसे वैसे की दिक्कत नहीं है, हम भौतिक जगत में देखते हैं तो क्यों जाएगा किसी गरीब के पास, है कि नहीं भाई, मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ। लेकिन भगवान का देखिए कि परम संतुष्ट अपने आप में आत्माना आत्माराम ओम पूर्णमदा पूर्णम पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण है अपने आप में, फिर भी हम जैसे अपूर्ण लोगों के लिए आ करके लीला करके नाटक कर करके दिखाते हैं, ड्रामा करके दिखाते हैं कि ठीक है भाई तुम आकर्षित हो जाओ मेरे से, और आकर्षित होकर के दोबारा मेरे धाम वापस आ जाते हैं। सब कुछ करने को भगवान तैयार हो जाते हैं, ये भगवान के अवतरण का कारण होता है। यहाँ पर देखिए पृथ्वी महाराज अवतरित हो रहे हैं, क्यों अवतरित हो रहे हैं, देखिए पृथ्वी महाराज कि उस समय जो उनके पिताजी थे साक्षात बेर महाराज, तो बेर महाराज क्या किए, पहले तो चोर उचक्के बढ़ गए थे, फिर इनके आने से चोर उचक्के खत्म हुए, फिर इनके जाने से चोर उचक्के खूब आ गए थे, और पूरा मतलब कतई हद कर दिया था इन्होंने। आगे हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी धन धान्य देना बंद कर दी थी, लोग भुखमरी से मरने लगे थे, इंद्र वर्षा नहीं देते थे, क्यों वर्षा क्यों होती है, पर्जन यज्ञ कर्म समुद्भव, भगवद गीता के तीसरे अध्याय बता रहे यार कि यज्ञ करने से भाई वर्षा होती है, पर्जन्य होता है ना यज्ञ ना वर्षा, और जब वर्षा नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो खाएंगे क्या, खाएंगे क्या तो जिएंगे कैसे, पूरा क्योस मच गया था। तो समाज के लाभ के लिए, समाज के प्रजा के रक्षा के लिए भगवान ने शक्ति आवेश करके पृथ्वी महाराज को भेजा, जो कि अवतरण हो रहा है प्रेम वश कि मम्मे वास जीव लोग जीव भूत सनातना मेरे अंश है, ये भले भूल गए हैं मैं तो इनको याद किया हुआ हूँ ना, जैसे कि जैसे ये वैसा ही है जैसे मेले में जब बचपन में हम लोग जाया करते थे मेला देखने, दशहरा आ रहा दशहरा का मेला देखने, तो जब पिताजी होते थे या मम्मी होते थे हाथ पकड़ के रखते थे, हम कुछ भी देखे अरे कुछ भी खिलौना देखते थे उसकी तरफ जाने लगते थे, लल्ला चलने लगते थे, हाथ छुड़ाने लगते थे, लेकिन फिर भी मम्मी पापा पकड़ के रखते थे, हाथ है कि नहीं, उनको पता था कि मैं छोड़ दूंगा तो खो जाएगा ये, भले हम हमें वो टॉय ज़्यादा अच्छा लग रहा है मम्मी पापा अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी पिता को पता कि नहीं मेरा बेटा है मैं इसको छोड़ दूंगा तो खो जाएगा। वैसे भगवान का प्रेम है, हम भूले हुए हैं फिर भी भगवान प्रेम कर रहे हैं, आ करके उनको कर रक्षा कर रहे हैं, देखिए आ करके। और हम आगे के प्रसंग में देखेंगे कि कैसे पृथ्वी को दूर करके पृथ्वी को प्रताड़ित करते हैं, और प्रताड़ित करके फिर से सब कुछ धन धन प्रजा को दिलाते हैं, प्रजा को सुखी करते हैं, ये भगवान का प्रेम है। तो प्रश्न अगला जो था कि कितने तरह का अवतार लेते हैं, तो बेसिकली छह तरह के अवतारों का वर्णन किया है, तो वो भी क्यों लेते हैं, ये सारे अवतार लेने का भी एकमात्र कारण है भक्तों से प्रेम, भक्तों के कारण लेते हैं। तो भौतिक जगत की जरूरत ही क्या है, भगवान बोल रहे काशीनो धारे थे जगत ये एक अंश है जो त्रिपाल विभूति, ये जरूरत ही क्या है, मतलब ये सब लोग दुष्ट लोग हैं एक तरह से हम लोग, और हमारे लिए भगवान ये सब तरह के अवतार लेते हैं। तो बेसिकली जो पहले सबसे पहले अवतार लेते हैं तीन पुरुष अवतार, तीन पुरुष अवतार कौन है, महाविष्णु और दूसरे गर्भोदक साई विष्णु और तीसरे क्षीरोदक साई विष्णु। महाविष्णु को कारणोदक साई विष्णु भी कहते हैं, कारण सागर में वो शयन करते हैं, कारण दैट साई, साई मतलब शयन करना। तो हमारे लिए देखिए कितना भगवान पेन ले रहे हैं, वो तो योग निद्रा में अपने ब्रह्म संहिता के अंदर पढ़ेंगे तो सहन कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या करें, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर रहे हैं श्वास द्वारा, ये श्वास विलंब आते हैं, श्वास के बराबर ये ब्रह्मांड का काल होता है, और इसके बाद ब्रह्मांड बनाने के बाद हर ब्रह्मांड में जो गर्भोदक साई, गर्भोदक गर्भो क्या है, ये भगवान के शरीर से निकलने वाला पसीना है, और ये हमारे पसीने के जैसे नहीं है, वर्णित करने वाला भी पसीना, तो गर्भोदक साई उसको आधा ब्रह्मांड को भर करके उसमें शयन करते हैं, और इसके बाद हमारे लिए हमें मौका देने के लिए कि दोबारा से जीव आए और आ करके दोबारा से भक्ति का प्रैक्टिस कर पाए, अपने
नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं और ब्रह्मा जी का जो कमल के नाल के अंदर जो जैसे जो हमारा जो ब्रह्मांड है इसकी चौड़ाई जो है 50 करोड़ योजन है, मतलब 50 × 8 मील और 50 × 8 × 1.6 किलोमीटर इतना ये ब्रह्मांड का मतलब जो नाभि है नाभि की चौड़ाई चौड़ाई इतना है बस उस कमल की सॉरी नाभि की नहीं कमल में से जो नाल निकल रहा है कमल का नाल की चौड़ाई है उसमें से ब्रह्मा जी को करते हैं और पूरा सृष्टि करते हैं उसके अंदर और उसके अंदर अनायास तरह से परमाणु चयन तरह एक एक परमाणु के अंदर अणु के अंदर भगवान आ जाते हैं क्यों हमारे लिए ताकि सब कुछ का क्रिएशन करते हैं हमारे मुख के लिए और हमें सुधारने के लिए। उसके बाद होता है 3 गुणा होता है कि ठीक है जो जीवात्माएं आएंगी क्योंकि अलग अलग गुणों का पहले से सृजन किए हुए हैं तो 3 गुण अवतार लेते हैं कौन कौन से हैं पहले विष्णु के रूप में जो कि सतो गुण को कंट्रोल करते हैं दूसरा शिव जी के रूप में जो कि तमो गुण को कंट्रोल करते हैं शिव जी तमो गुण में नहीं रहते कई हजार वर्ष ना हो कि तमो गुण शिव जी को लोग बता देते हैं नहीं तमो गुण के कंट्रोलर अधिष्ठाता देव हैं शिव लोग और ब्रह्मा जी के रूप में शक्ति आवेशित करते हैं ब्रह्मा जी को सृजन करने के लिए क्रिएशन करने के लिए रजोगुण के रूप में रजोगुण से क्रिएशन होता है तो ये 3 गुण अवतार हैं ये तीनों का भी अगर हम देखें क्या पर्पस है पर्पस है हमारे लिए हमारी रक्षा हमारी क्रिएशन क्यों होता है क्रिएशन का एकमात्र कारण यही होता है कि जीवात्माएं आए पूरा भक्ति करें और भक्ति करके वापस जा सके भगवान में एकमात्र कारण होता है भगवान इतना प्रेम देते हैं क्रिएशन करने का मेंटेनेंस क्यों होता है ये सब कुछ मेंटेन करते हैं भगवान के जीवाओं को जीवात्माओं को मौका मिल सके हम सबको अच्छे से भक्ति करके वापस जाने के लिए और तीसरा एनिलेशन एनिलेशन भी क्यों होता है जब देखते हैं जब इतना ज़्यादा हम अपने गलत कार्यों से क्यों मचा देते हैं कि बिल्कुल रहना भारी हो जाता है जीना भारी हो जाता है तब जाके एनिलेशन मजबूरी भगवान को करना पड़ता है कि ठीक है अब जो मतलब खेल खेल करते करते इतना मैट्रिक्स हो गया कि बिल्कुल अब जीना दुष्कर हो गया तो बोलते हैं ठीक है चलो दयापूर्वक कि ठीक है सारा खेल बिगाड़ देते तुम्हारे बिल्कुल 7 खून माफ चलो दोबारा से मैं मौका दे रहा हूँ दोबारा से मौका देने के लिए एनिलेशन होता है वृद्धावस्था हो गया कंठा वृद्ध विधो बिल्कुल कंठा वृद्ध हो गया तो दोबारा से जन्म दिया जाता है मौका दिया जाता है मृत्यु क्या है कि भगवदगीता के 2:13 में बोल रहा है कि आखिरी चेंज है तो कृपा पूर्वक वो चेंज दिया जा रहा है कि फिर से नया शरीर कि भाई तू दोबारा से प्रयास भक्ति में आगे बढ़ेगा तो ये तीनों कार्य क्यों करते हैं तीनों अवतार क्यों लेते हैं हमारी रक्षा के लिए हमारे पालन के लिए और हमें दोबारा मौका देने के लिए अगला जो फिर आते हैं मनवंतर अवतार जैसे कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं ना मनवंतर अवतार तो हर एक मनु में मनु की जैसे गवर्नमेंट की हमारी 5 साल की सरकार होती है ना वैसे हर एक मनु में सरकार होती है 71 चतुर्युग तक की एक मनु का सरकार चलता है और उसमें 6 जैसे कि हमारे में गृह मंत्री हैं रेल मंत्री हैं प्रधानमंत्री हैं तथा कई सारे मंत्री लोग बदलते हैं ना 5 साल में वैसे ही मनु के सरकार में 6 चीज़ें बदलती है मनु जैसे ये कौन से मनु हैं श्राद्धदेव वैवस्वत मनु अभी चल रही है 7वां मनवंतर है अगले मनवंतर में कौन होंगे सावर्णी मनु बनेंगे पिछले में कौन थे चाक्षुष थे है ना तो ऐसे मनु होते हैं मनु की सरकार में मनु बदलते हैं मनु के अलावा फिर मनुपुत्र स्पेसिफिक मनुपुत्र आते हैं बदलते हैं हर मनवंतर में और इंद्र बदलते हैं जैसे अभी कौन है इंद्र पुरंदर इंद्र है अगले में इंद्र कौन होंगे बलि महाराज 13वें मनवंतर में जो कली होते हैं वो इंद्र होते हैं वैसे तो वैसे ये इंद्र का पोस्ट है जैसे पहले मनवंतर में स्वयं मनु में जो यज्ञ जो भगवान के अवतार थे वही इंद्र के पोस्ट पर बैठे थे तो ऐसे इंद्र ये भी पोस्ट है चेंज होता है अगला जो होता है सप्तर्षि सप्तर्षि जैसे इस मनवंतर में जो राम जी के गुरु जी कौन है वशिष्ठ वशिष्ठ के 7 पुत्र जो बेटे हैं वो सप्तर्षि हैं अगले मनवंतर में जो अभी अश्वत्थामा है अगले मनवंतर में सप्तर्षियों के हेड होंगे तो इस तरीके से ये सप्तर्षि तक बदलते हैं हर सरकार में 71 चतुर्युग का ही सरकार होता है आगे जो आदित्यगण होते हैं द्वादश आदित्य ये भी चेंज होते हैं जैसे अभी जैसे इंद्र के पोस्ट पुरंदर बैठे हुए हैं जैसे चंद्र एक पोस्ट है इस पोस्ट पे सोमदेव बैठे हुए हैं सूर्य एक पोस्ट है सूर्य के पोस्ट पे युष्मान बैठे हुए हैं
ऐसे जितने भी वरुण वगैरह सब कुछ एक पोस्ट है, इस पोस्ट पे लोग अभी बैठे हुए हैं और ये इतने इनका सरकार कितने दिन चलता है, 71 चतुर्युग तक चलता है। तो इस तरीके से 6 परिवर्तन आते हैं, 6 लोग बदलते हैं। वैसे ही उसमें हर एक मनवंतर में एक मनवंतरा अवतार भी आते हैं, जैसे हमारे इस मनवंतर के जो वामन देव भगवान है मनवंतर अवतार है, इंद्र के भाई के रूप में उपेंद्र उप इंद्र के रूप में अवतरित हुए थे। पहले मनवंतर में जो यज्ञ पुरुष के मनवंतर अवतार हुए थे, या हम पढ़ते हैं ना चतुर्थ मनवंतर में जो हरिमेधा ऋषि और हरिणी के पुत्र हरि जो कि गजेंद्र को बचाने के लिए आए थे मनवंतर अवतार थे। तो ऐसे हर मनवंतर में भगवान अवतरित होते हैं, इसको मनवंतर अवतार बोलते हैं। ठीक है, जैसे यज्ञ पुरुष हुए हरि या वामन देव भगवान विभु, चौथे जो पांचवें मनवंतर में विभु अवतरित हुए थे उसके रूप में मनवंतर अवतार। इसके बाद अलग अलग एक मनवंतर में जैसे 71 युग आते हैं, तो युगा अवतार हर युग में एक एक अवतार आते हैं। जैसे बोलते हैं लोग गाते हैं ना युग अवतारी गौर हरि, तो हमारे जो गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ये भी युगा अवतार है, हर युग में अवतार लेते हैं। एक्चुअली इस युग में स्वयं कृष्ण आए थे, गौर कृष्ण आए थे, नॉर्मली ऐसे गौर नारायण आते हैं, विष्णु से अवतार लेते हैं, कृष्ण भी विष्णु से अवतार लेते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार साक्षात कृष्ण आते हैं, अन्यथा 999 बार कौन आते हैं, विष्णु के अवतार कृष्ण आते हैं। तो ये जो गौर हरि हैं हमारे हैं ये कौन है, युगा अवतार है, हर युग में भगवान अवतार लेते हैं और उस युग के उसको एस्टेब्लिश करते हैं। जैसे कि स्वयंभू मनु के समय में जो सतयुग था उसमें कौन अवतार लिए थे युग में, जो कपिल देव भगवान है युगा अवतार है, वो हर युग में वैसे भगवान अवतार लेते हैं युग के उसको धर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए। अगला लीला अवतार, अब युग हो गया अवतार ले लिए, अब हर युग में आकर के लीला करते हैं भगवान आकर्षित करने के लिए हमें, कि उस लीलाओं से आकर्षित होकर के हम नाम रूप गुण लीलाओं में रुचि ले। लीला अवतार जैसे भगवान श्री कृष्ण लीला अवतार है, लीला अवतार है, माता के साथ कैसे रेसिप्रोकेट किए, ग्वाल बालों के साथ कैसे रेसिप्रोकेट किए, कोई मतलब किसी भी वर्ण का कोई व्यक्ति हो भगवान से रेसिप्रोकेट, कोई स्त्री हो जैसे गोप्य हकामात हयात पक्ष हो, जैसे वो काम वास्ता से कृष्ण से आकर्षित हो गई, अपने को अपने पति रूप में मानते हैं। आप लोग देखते हैं लड्डू गोपाल है, लोग उनको बेटे के रूप में मान के पूजा करते हैं, भगवान इस तरीके से लीला करते हैं, लीला होता है भगवान राम, लीला होता है वराह देव भगवान, लीला होता है वराह देव श्वेत वराह कल्पे, ये वो भी अवतार है, वराह युगा अवतार भी हर युग में भी, जैसे भी श्वेत वराह कल्प चल रहा है, हम लोग जैसे उसके हवन में मंत्र में पढ़ते हैं ना श्वेत वराह कल्प, रक्त वराह श्वेत वराह, ये युगा अवतार भी है और लीला करने के लिए आते हैं लीला अवतार भी है। तो इस तरीके से आ करके लीला मतलब ड्रामा नाटक करके दिखाते हैं ताकि उनका मतलब उनकी कृति को गाए। आज देखिए कृष्ण आ करके लीला नहीं किए होते भागवतम कहाँ से होता है, भागवतम नहीं होता तो हम और आप कैसे बैठ करके सोच कर रहते हैं कि नहीं, अलग अलग लीला करके दिखाते हैं हमें आकर्षित करने के लिए। तो कई तरह के राम नरसिंह नृसिंह भगवान आए लीला किए, आए हरे कृष्ण दरिता हिरण कसिपुतल भृंगम, भृंगम मतलब होता है भृंग, क्या होता है छोटा सा कीड़ा, कीड़े के जैसे उसको मनोरथ करके टेक दिए, एक लीला करके दिखाए कि जब कितना भी चलो किस्मार खाओ भगवान के सामने कुछ नहीं हो, भगवान अपनी भगवता प्रकट करके दिखाए कि अगर मैं भगवान के शरण में जाऊंगा तो भगवान हर तरह से हमारी रक्षा कर सकते हैं ना, एक लीला है। क्योंकि वो भृगुटी के ऊपर करने से इंद्र कांप जाते थे, जब वो जो आज के देखे समाज में जय शनिदेव वगैरह तमाम हो रहे हैं, जो हिरण्यकश्यप वो अपने प्रवेश करते थे अपने घर में तो शनि महाराज का उन्होंने गेट कीपर के रूप में सेवा लगाया हुआ था, सलामी देते थे कि आइए हिरण्यकश्यप उधर जाइए, सलामी देने का उनका सेवा था। और जो इंद्र लोग तथाकथित जो देवता लोग हैं देवताओं की पत्नियों को अपने सामने नचाया करते थे इंटरटेनमेंट के लिए, वो थे हिरण्यकश्यप, कि दिन में रात हो जाए तो रात हो जाती थी, कोई पुण्य कर रहा है नरक में जाना चाहिए नरक जाते थे, और उनको क्या कर रहे हैं भगवान नरसिंह भगवान दलिता हिरण्यकश्यप तनु भृंग, भृंग के जैसे निचोड़ करके फेंक दिए हटो, ये भगवान का लीला है, दिखा रहे कि अगर उनके अगर शरण में जाए तो वैसे वैसे दानों से भी मतलब बचा सकते हैं, तो छोटे मोटे मतलब की कहना ही क्या है, तो लीला होता है। आगे फिर होते हैं शक्ति आवेश होता है, शक्ति आवेश कर देते हैं भगवान किसी भी कार्य को कराने के लिए, जैसे हमारे प्रभुपाद जी भगवान की शक्ति आवेशित होता रहे, प्रचार शक्ति के आवेशित होता रहे, भक्ति शक्ति के आवेशित होता रहे नारद मुनि, ये साधारण मतलब एक जीव साधारण तो नहीं कह सकते अपने भक्तों में या फिर जीव तत्व में भगवान शक्ति का आवेश कर देते हैं। जैसे नॉर्मली यही वायर है नॉर्मली इसको छुए कुछ नहीं होगा, और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने मतलब अगर करंट फ्लो होने लगे तो क्या होगा, छुए टच से करंट लग जाएगा, तो मर जाएगा।
तो साधारण जीव को शक्ति से आवेश करके भगवान कोई भी कार्य करा देते हैं। जैसे भगवान जो बुद्ध हुए अभी 2000 साल पहले आए थे, ये है शक्ति आवेश अवतार हुए। भगवान पृथु जैसे इस प्रसंग पृथु महाराज का चल रहा है, ये पालन शक्ति के शासन शक्ति के शक्ति आवेश अवतार हुए। परशुराम जी दमन दुष्ट दमन दलन शक्ति के शक्ति आवेश अवतार हुए। 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया और एक कुछ समय के लिए किसी जीवात्मा में कि विशेष कार्य कराने के लिए भगवान शक्ति को आवेश करते हैं। तो ये शक्ति आवेश अवतार इस तरीके से 6 अवतार होता है और इन सबके पीछे एकमात्र भगवान का कारण होता है क्या, हमारे जैसे दुष्ट लोगों के प्रति भगवान का ये प्रेम पूर्ण करने के लिए। सारा टेंशन भगवान इसलिए ले रहे हैं और ये भगवान के लिए कभी से टेंशन नहीं होता है कि कोई भी जीवात्मा को, कोई भी जीवात्मा छोड़िए, मान लीजिए कोई पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम कर रही है तो पत्नी को पति के लिए कुकिंग करना कोई टेंशन की बात नहीं होता है। हालांकि खाना बनाना, सब्जी छीलना, सब्जी काटना, ये गैस चूल्हा चलाना, बर्तन मारना टेंशन का काम है कि नहीं, लेकिन फिर भी पत्नी को प्रेम लगता है। ये छोटा बच्चा है, एक मतलब कोई लैट्रिन पेशाब कर देता है फिर भी उसके सबको सफाई करती है माता, उसको बहुत कष्ट नहीं होता है, क्यों, प्रेमवश, प्रेम है उस पुत्र से। वैसे भगवान को इतने सारे अवतार लेने में, इतने सारे लीला करने में कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता, क्यों, प्रेम करते हैं भगवान। भगवान बोल रहे हैं ना कि सर्व योनि सुकौन्तेय मूर्तये सर्वमति या तासां ब्रह्म महायोनि अहम् बीज प्रदत्त पिता, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, प्रत्येक योनि के मैं बीज प्रदान करने वाले पिता हूँ। एक प्रिय पिता के तहत हम देखिए प्रेम करते हैं, जैसे हर कंडीशन बेटर नालायक भी हो जाए ना तो भी जो पिताजी होते हैं उसको रोजी रोटी देते हैं कि नहीं, क्या बोलते हैं कि चल रहा है तुमको घर से भगा दूंगा, खाना नहीं दूंगा, नहीं, पिताजी गलत करते हैं। वैसे ही हर कंडीशन में ये इतने सारे अवतार अलग अलग लेने पड़ रहे हैं भगवान को, क्यों, हमसे प्रेम के कारण। ये प्रेम का ऐसी प्रोफेशन है भगवान का, अलग अलग लीला का। और आगे हम प्रसंग सुनेंगे कि कैसे पृथु महाराज कितना अपने प्रजा से प्रेम करते थे और प्रेम के लिए उन्होंने पृथ्वी तक को दंडित किया और सब पूरी प्रजा के भलाई के लिए 99 यज्ञ किए, मतलब 100 यज्ञ कर रहे थे, सब यज्ञ कर रहे थे, क्यों, प्रेम पूर्वक, प्रेम के लिए। तो इस तरीके से जैसे कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं वैसे हमसे भी कृष्ण से प्रेम करना करना होगा। देखिए प्रत्येक जीवात्मा का भगवान के साथ एक यूनिक संबंध है, यूनिक पोजिशन है, यूनिक संबंध है। जैसे किसी का अगर भगवान के साथ संबंध है कि ठीक है जी, भगवान को फूल रोज चौराहे पर एक गुलाब का फूल दिया करता था, अगर वो जीवात्मा द्वेष करके यहाँ आ गया तो फूल देने वाला पोस्ट खाली होगा। कृष्ण वही इंतजार कर रहे हैं आज भी कि कब वो जीवात्मा वापस आए, वो फूल मुझे दे। सच में कृष्ण इंतजार वहीं पर खड़े होकर कर रहे हैं कि कब हम वापस आए। अब बृहद भागवत में सुनते हैं जो गोप कुमार की स्टोरी, जब कैसे गोप कुमार तो वापस कृष्ण गले लगा लेते हैं, वैसे भले द्वेष हो करके जा रहे आ रहे हैं फिर भी जब आते हैं तो कृष्ण इंतजार कर रहे हैं और हमसे गले लगा लेते हैं हमें कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम कैसे भी हो मेरे अंश हो, मेरे को आ जाओ। कृष्ण इतना दलाई है तभी तो इतने तरह के अवतार ले रहे हैं, अपने शक्तिशाली भक्तों को भेज रहे हैं, गुरु को भेज रहे हैं, जाओ प्रचार करके लाओ 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 उनको वापस लाओ। कृष्ण आए उपदेश किए, चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं वो सब कुछ प्रचार करके दिखा रहे हैं। फिर इस बात हो गए पशु बलि करने लगे तो दोबारा अवतार लिए कि इसका बुद्ध देव भगवान का पशु हिंसा को रोकने के लिए नरक रोकना चाहे उसको खंडित किए। इसके बाद देखिए कि लो भाई वेदों पर से श्रद्धा हट गया, शंकराचार्य के रूप में शिव जी को आवेशित करके भेजे कि ठीक है दोबारा वेदों को स्टैब्लिश करो। जब वेद स्टैब्लिश हो तो चैतन्य महाप्रभु को मैं युग धर्म स्थापित किए, युग धर्म स्थापित करने के बाद प्रभाव में शक्ति आवेश करके भेजे कि जाओ तो पूरे दुनिया में फैला दो इसको ताकि सब लोग इसको पालन करके वापस आ सके। ये क्यों कर रहे हैं, प्रेम वश। और वैसे भी हमें भी भगवान से प्रेम करके भगवान को एटलीस्ट मतलब इतना तो लिहाज करें कि दूसरा व्यक्ति भाई मेरे से प्रेम कर रहा है मैं भी उसे कुछ करूँ और यही करके हम वापस आ सके। ये प्रसंग में बेसिकली मुझे ये समझ में आया कि जो पृथु महाराज का वो है वो प्रेम के लिए है। और एक बस लाइन आखिरी में करना चाहूँगा, कैसे कोई भी बोल दे कि मैं भगवान को नहीं मानना चाहिए, गुरु साधु और से परीक्षण होना चाहिए उसका। जैसे पृथु महाराज का पहले से ही वर्णन है, जो भी ऋषि लोग पहले से बता दे रहे हैं कि अब ये क्या क्या करेंगे, जैसे चैतन्य महाप्रभु आए तो उनके बारे में पहले से वर्णन है भागवत में, देखते सीतम राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वंशायन यदगार अरण्य कि जंगल में चले जाएंगे अपने त्यक्तवा दुस्तज लक्ष्मी जैसे पत्नी को छोड़ करके चले जाएंगे, या कृष्ण वर्णन तुषा कृष्ण सांगो मांगास्त पार्षदम, पहले से जो भी भगवान के अवतार होते हैं वर्णन होता है उनके बारे में।
जो सत्यावेश के अवतार होते हैं उनके बारे में भी पहले से शास्त्रों में वर्णन होता है, उनके कार्यकलाप का, उनके पिताजी का, उनके माताजी का। जैसे कल्कि अवतार आए थे, शास्त्रों में वर्णन है कि कौन उनके पिता होंगे, कौन माता होंगे, कब कलयुग के चतुर्थ चरण में आएंगे, कहाँ पर आएंगे। ऐसे ही कोई भी बोलते मुँह उठा करके कि जी मैं भगवान का अवतार हूँ तो नहीं मान लेना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र से चेक करना चाहिए। और सब कुछ उसके कार्यकलाप का वर्णन पहले से शास्त्रों में होता है, जो भी भगवान के अवतार है। देखिए जैसे भागवतम में चाणक्य पंडित का पहले से दे रखा है कि नहीं, बुद्ध देव का पहले से दे रखा है, 5000 वर्ष पहले ये भागवतम लिख दिया गया था ना। और पहले स्तर में बुद्ध देव का वर्णन है जो कि बाद में है, कलयुग की शुरुआत में है। चैतन्य महाप्रभु से 500 वर्ष पहले है, 5000 पहले लिख दिया था कि नहीं। वैसे सारे अवतारों का वर्णन होता है, तो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार ही हम किसी को भगवान के रूप में स्वीकार करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किसी या कोई ये सारी सृष्टि, जो भी सृष्टि है, सृष्टि की रचना भी है, जो भी आपने बताया, सब कुछ सब प्रेमवश भगवान जो भी कर रहे हैं प्रेमवश कर रहे हैं। मुझे और बारे पता, मुझे अपना पता है, मैं इतना निकृष्ट हूँ, लेकिन तब भी इतने साल हो गए हैं भक्ति में लगे हुए, लेकिन भगवान के प्रति आकर्षण नहीं उत्पन्न हो पा रहा है। हम क्या करें ऐसा कि भगवान के प्रति, भगवान जब इतने प्रेमी है तो मैं क्यों नहीं बन पा रहा उतना प्रेमी भगवान को। हम मतलब इतने वो कि हमने भगवान से द्वेष भी कर दिया, जब हमें पता है कि भगवान इतने प्रेमी हैं, इतना प्रेम करते हैं हमसे, तो फिर हम द्वेष क्यों कर रहे हैं। मतलब ये बड़ा विरोधाभास सा लगता है, इसका थोड़ा आप समाधान करें। तो ये एक बार ये प्रश्न है, इनका मैं चरण दबा रहा था भक्ति आश्रम दर्शन महाराज जी का, तो मैंने ये प्रश्न उनसे किया था, भगवान की निरता रति की बात जैसे कथा सुनाते हैं, आपका इतना भगवान प्रेम है, हमारा क्यों नहीं होता है। तो बहुत लॉजिकली महाराज ने बताया था, जैसे कि अगर आपको पता है कि मान लीजिए कोई पोटेशियम साइनाइड का गोली आपको ला के दे और बोले कि लो खा लो, खाइएगा, कोई ज़बरदस्ती खिलाए तो मुँह में बिल्कुल ठूस रहा हो कोई, तो बिल्कुल गला जैसे बच्चे का होता है ना, मम्मी दूध पिला देती है ऐसे दबा करके गोली खिला देती है, वैसे कोई कर रहा हो कि नहीं खाएंगे, क्यों? विश्वास है पोटेशियम साइनाइड खाने से तुरंत मर जाऊंगा, है ना। तो वैसे अभी इतना विश्वास नहीं है कि कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, रक्षा करते हैं, अवश्य रक्षा। भगवान चीख चिल्ला के बोल रहे हैं कि योग क्षेम महामी अहम अहम, भगवान बोल रहे हैं, मैं फर्स्ट पर्सन बोल रहे हैं अहम, फिर भी इतना भरोसा नहीं है कि हर पर्सन योग क्षेम जो नहीं है उसको मैं देता हूँ, जो है उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान घोषणा कर रहे हैं कौन से प्रति जानी नाम में भक्त्या प्रसन्नी, ये पुत्र निडर होकर घोषणा कर दो मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, फिर भी हमें उतना विश्वास नहीं है, मेरे लगता है कि नाश हो गया। तो भगवान बोल रहे सर्वधर्मान परित्यजय, मात्र मेरे स्तर में आ जाओ, अहम तो अब सर्व पापे में मोक्ष है, मां सोचा मैं रक्षा करूँगा, पालन करूँगा, अरे जो नहीं है उसको मैं देऊँगा, और मैं ही देता हूँ ऐसे भी भरोसा है। नहीं, उतना कन्विक्शन नहीं है जितना कन्विक्शन है कि पोटेशियम साइनाइड खाने से मर जाएंगे, उस कन्विक्शन की कमी की वजह से हम नहीं समर्पित हो पाते हैं। जैसे कोई पत्नी है, पति को समर्पित होती है, क्यों? उसको पता होता है कि पति मेरा रक्षा करेगा, मेरा पोषण करेगा। बेटा निश्चिंत भाव से मगर पिताजी के पास ये माता की गोदी में ऐसे चला जाता है। नॉर्मली अगर कोई छोटा बच्चा है, माता ऐसे चाकू की छुआ रहती है तो प्रेम मारो 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 ऐसे करके, तो ही बेटा हंस रहा होता है, बच्चा हंस रहा होता है ना, तो कन्विक्शन होता है कि नहीं मेरी माँ है, मारेगी नहीं मुझे, पता होता है। या कोई बच्चे को ऐसे कोई और छूता है, रोने लगता है, कई कई बार माँ होती है उछला करके खिला रही होती है, हवा में उड़ा देती है माँ, फिर भी हंस रहा होता है बेटा, उसको कन्विक्शन होता है कि नहीं नीचे गिरूँ मैं, मम्मी रोक लेगी मेरे को, उतना कन्विक्शन नहीं है कि कृष्ण रोक लेंगे नहीं गिर लेंगे, इस वजह से हम प्रेम नहीं करते। और ये होगा कैसे, तो महाराज ने उपाय बताया था, श्रवण, बार बार श्रवण करें, इसको बार बार श्रवण करें, बार बार श्रवण करें, जिस जन्म जन्मांतर से हम श्रवण कर रखे, नहीं हम सब कुछ कर सकते हैं, कर्म ही सब कुछ है, ये वो श्रवण वैसे ही श्रवण करें, नहीं कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, कृष्ण एकमात्र पालक हैं, कृष्ण एकमात्र पिता हैं,
कृष्ण घोषणा करके बोल रहे हैं कि अहम सर्व मतलब मैं सबका पिता हूँ और मत सर्व परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, उसको बार बार सुनेंगे तो धीरे धीरे भरोसा है। वैष्णव का भजन करने से जी एक विशेष हृदय कुछ अपनी परिस्थिति पता चलती है, भगवान का स्थिति मतलब संबंध विधेय प्रयोजन पता चलता है। आसानी से अगर पता करना होना वैष्णव भजन पड़े मतलब मुझे ऐसा लगता है। हरे कृष्णा भाई, सॉरी आज ही मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि समय हो जाने के बाद एक्स्ट्रा नहीं तो मैं इस नियम को नहीं तोड़ूंगा, तो पर्सनली हम कर सकते हैं, मुझे समय हो चुके हैं सारा जब हम ही नियम तोड़ेंगे तो क्योंकि और लोगों को मैं क्या बोलूँगा क्या समय की पाबंदी है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रभु हरि हरि।